सत श्री अकाल जी, तुसी वेख रहे हो डी फाइव चैनल पंजाबी दा पंजाब बुलेटिन ते मैं हां मनदीप सिंह वल्लों। पर सब तो पहला नज़र मारांगे अज दीआं मुख सुरखियां ते। मान सरकार दा वड्डा ऐलान, जीरा शराब फैक्टरी बंद करन दे दित्ते निर्देश, कहा वातावरण नूं नहीं होण देंगे प्रदूषित। राहुल गांधी ने वख-वख मुद्दिआं ते कीती प्रैस कॉन्फ्रेंस, 1984 दे सिख कतलेआम ते वी दित्ता वड्डा प्रतिकरम। अज चंडीगढ़ नगर निगम मेयर दी होई चोण, भाजपा ने मारी बाजी, भाजपा दे आगू अनूप गुप्ता बने मेयर। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राहुल गांधी की टिप्पणी से किया ट्वीट, राहुल गांधी ने चुप रहने की दी नसीहत, कहा तुसी दो मिनट च चुने हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नू दिल्ली तो हटा के किया सी बेइज्जत। हुण खबरां विस्तार नाल। जीरा शराब फैक्टरी नू पंजाब सरकार दे वल्लों बंद करन दे निर्देश दिते गए ने। खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक वीडियो जारी करके यह ऐलान किया है। पंजाब दा पाणी, पंजाब दी हवा ते पंजाब दी धरती दी शुद्धता लई ते लोक हितां नू ध्यान च रखते हुए ते कानूनी माहरां नाल सलाह मशवरा करन तों बाद सरकार हुण इस पोजिशन च हैगी कि अज मैं ऐलान करदा कि मालब्रो कंपनी जिहड़ी जीरा दे विच है शराब फैक्टरी, उहनू तुरंत प्रभाव ते बंद करन दे निर्देश जारी कर दिते गए ने। भविख दे विच भी जे कोई कानून नू हाथ चलेगा, भावें जिड्डा मर्जी बंदा है, भावें वह पोल्यूशन नाल संबंधित कानून होण, माइनिंग नाल संबंधित होण, ट्रांसपोर्ट विभाग नाल होण, जिहड़ा भी कानून होवे गवर्नमेंट वल्लों बनाया, जे उहनू कोई हाथ चलेगा जां पंजाब दे वातावरण नू जाणबुझ के जां अपने किसी स्वार्थ लई जां आर्थिक फायदे लई नुकसान पहुँचाऊगा, भावें जिन्ना मर्जी वड्डा बंदा होवे उहनू बख्शिया नहीं जाऊगा। मैं एक बार फिर ये दसना चाहना कि वातावरण की शुद्धता लोक हितां नू ध्यान च रखते हुए तो कानूनी माहरां की राय तो बाद फैसला होया कि मालब्रो कंपनी जीरा विखे जिहड़ी है शराब की फैक्टरी उहनू तुरंत प्रभाव से बंद करन दे हुकम जारी कर दिते गए। पंजाब च भारत जोड़ो यात्रा दौरान दसूहा विखे राहुल गांधी वालों अज एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिस उन्होंने 1984 सिख कतलेआम समेत कई मुद्दों के उत्ते अपना प्रतिक्रम दिता है। पंजाब दे विच भारत जोड़ो यात्रा दौरान अज राहुल गांधी ने 1984 सिख कतलेआम नू लैके वड्डा बयान दिता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अते सोनिया गांधी इस मुद्दे ते अपना स्टैंड रख चुके सी अते मैं भी इस मामले ते अपना पक्ष रख चुका हाँ। राहुल ने कहा कि मैं साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अते सोनिया गांधी जी दे स्टैंड नाल बिल्कुल सहमत हाँ। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हैज मेड हिज पोजिशन एंड द कांग्रेस पार्टीज पोजिशन वेरी क्लियर। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी हैज ऑल्सो डन दैट एंड आई फुली इंडोर्स what prime minister manmohan singh ji said, what sonia gandhi ji said, and also I have also made my stance abundantly clear in the past. ਇਤਿਹਾਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਦਸੂਹਾ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। 1984 ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀਐਮ ਵਜੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਚੁੱਕਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵੀਐਮ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੰਬੰਧੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਭਵਨ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਗਰਗ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਟੱਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਲ ਸੀ। 14 ਸਾਡੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਸੀ, 1 ਸਾਡੇ MP ਸੀਗੇ। ਉਹ 15 ਦੀਆਂ 15 ਵੋਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਈਆਂ, 14 ਵੋਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 8ਵੇਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੇਅਰ ਪਦ 'ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਪਦ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਭਵਨ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਅਰ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹਿਮਾਇਤ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਵਰ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਰੁਣਾ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸੁਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਐਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੀਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਸਤਾ ਲਈ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਪ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਸੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਬੀਜ ਇਹਦੇ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੀਲਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਨਕਲੀ ਲਿਆ। ਐਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਬੀਜ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਸਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਕਿਸਮ ਆ ਜੀ, ਟਿੰਗੜੀ ਕਿਸਮ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਮਝਦੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਐਪ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗਲਤ ਬੀਜ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਪ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
किसान मिलनी समारोह करवा रही है जो कि लुधियाना विखे होवेगा। ये सारी जानकारी खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप धालीवाल दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान साझी की गई है। नाल ही उन्होंने ये भी बयान दिता है कि पहला बीज वाली फैक्ट्रियां या फिर कंपनियां किसानों को गुमराह कर दिंदियां सी, इस दली ऐप लॉन्च की गई है ता जो किसान गलत बीज अपने पैली विच बीज ही नहीं सकेगा। बीते दिन राहुल गांधी वालों मुख्यमंत्री भगवंत मान से की गई टिप्पणी से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हुण व्यंग कसिया है। उन्होंने एक ट्वीट करदे कहा कि राहुल जी पंजाब तुसी अजिहा कुछ ना ही बोलो तो ही चंगा है क्योंकि मैनू मुख्यमंत्री पंजाब की जनता ने बनाया है। तुसी दो मिनट चुने हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली तो हटा के बेइज्जत किया। बीते दिन राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा दौरान हुशियारपुर के जनता की इकट्ठ नूं संबोधन करदिया एक बयान दिता सी कि पंजाब नूं पंजाब तो चलाया जाना चाहिए, इस नूं दिल्ली तो नहीं चलाया जाना चाहिए। उन्हें कहा, मैं पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं कहना चाहुंदा हां कि तुसी पंजाब दे मुख्यमंत्री हो, पंजाब नूं पंजाब तो ही चलाया जाना चाहिए। भगवंत मान नूं केजरीवाल जी अते दिल्ली दे दबाव हेठ नहीं आना चाहिए। तुहानूं आजाद ढंग दे नाल काम करना चाहिए अते किसी दे रिमोट कंट्रोल हेठ नहीं आना चाहिए और पंजाब को पंजाब से ही चलाना जाया चाहिए। यह बात आप, ये मैंने बहुत गहरी बात बोली है। पंजाब को दिल्ली से नहीं चलाना चाहिए, पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए। और मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूं, मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूं, भगवंत मान जी से कहना चाहता हूं, आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर हो, पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए। दिल्ली के दबाव में, केजरीवाल जी के दबाव में भगवंत मान को नहीं आना चाहिए। यह पंजाब का इतिहास है, पंजाब की हिस्ट्री है और पंजाब की इज्जत की बात। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी दे इस बयान तो बाद सख्त नोटिस लैंदिया सीएम भगवंत मान ने पलट वार किया। एक ट्वीट करदिया मुख्यमंत्री मान ने व्यंग कसदिया राहुल गांधी दे सीधे तौर ते निशाने साधे ने। मुख्यमंत्री मान ने ट्वीट किया, राहुल जी पंजाब दे विच तुसी अजिहा कुछ ना ही बोलो ता चंगा है, मैनू मुख्यमंत्री पंजाब दी जनता ने बनाया, तुसी दो मिंटा दे विच चुने हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नू दिल्ली तो बेइज्जत करके हटा दिता अते चन्नी नू बना दिता सी। पंजाब दे विच यात्रा दौरान सूबे दे प्रधान नू धक्के पै रहे ने। इस तो इलावा राहुल गांधी दे इस बयान ते आप दे आगू मालविंदर कंग दा वी बयान सामने आ चुका है, जिस विच उन्हां ने राहुल गांधी गांधी परिवार अते कांग्रेस पार्टी नू आड़े हत्थी लैंदिया कांग्रेस दी सरकार समय जो उन्हां दी कारगुजारी सी उस ते कई सारे सवाल खड़े किते ने। जिस कांग्रेस दे एक परिवार ने लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी देश ते राज कीता है, अनडेमोक्रेटिक तरीके ने सूबे दीआं सरकारां तोड़ियां होण, जिस कांग्रेस ने डेमोक्रेसी का घाण करते हुए गांधी परिवार ने इमरजेंसी लगाई, जिस गांधी परिवार ने पंजाब दे कांग्रेस दे मुख्यमंत्री दे गल च गूठा दे के पंजाब दे पानियां नूं दूजे सूबे जाण दिता होवे, जिस गांधी परिवार ने अकाल तख्त साहब और दरबार साहब ते अटैक किया, कदी कांग्रेस की सरकार सूबिआं दी लीडरशिप नूं नहीं पुछिआ, ते ओह राहुल गांधी जी, उस कांग्रेस दे लीडर राहुल गांधी जी सानू जिहड़ा हैगा सलाह दे रहे। राहुल गांधी जी ने रीसेंटली भी पिछले सालां जिस तरीके नाल कांग्रेस दे चुने हुए मुख्यमंत्रियों नूं अनडेमोक्रेटिक तरीके नाल कुर्सी तो लाया, वह भी सारयां दे सामने आ। आम आदमी पार्टी पंजाब च मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी की अगवाई च और देश च श्री अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई चलती है और आम आदमी पार्टी ने दस्या है कि आपसी तालमेल कंसल्टेशन और गाइडेंस नाल सरकारां किस तरह चलदियां, इह करके दिखा। जिक्र योग है कि भगवंत मान नूं विरोधी धिरां दी आलोचना दा सामना करना पै रहा है, जिन्हां वल्लों दोष लगाया जा रहा है कि पंजाब सरकार दे सारे वड्डे फैसले दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी दे कौमी कन्वीनर अते दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वल्लों लए जा रहे ने। हुण वेला हो चुका है एक छोटे जिहे ब्रेक दा, मिलदे हां ब्रेक तों बाद। होएगी किसानां दी गल, नवीं खेती मशीनां, बीजां ते बागां दी गल, लेके चलांगे तुहानूं रंगले पंजाब दे खेतां वल। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच, सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 7:30 D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत,
जमीन जायदाद के हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com T5 चैनल पंजाबी। हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो। ब्रेक तो बाद तुहाडा एक बार फिर स्वागत है। वधदे आं अगली खबर दे वल। भारत जोड़ो यात्रा च कांग्रेस दे सीनियर लीडर राहुल गांधी की सुरक्षा विच वार वार सन लग रही है। हुशियारपुर तो कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा च कोताही का मामला सामने आया। यात्रा दौरान अचानक भजदा होया एक नौजवान राहुल गांधी के गले लग गया। हुशियारपुर च हुई भारत जोड़ो यात्रा दौरान कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी की सुरक्षा के विच कोताही वेखण नूं मिली है। भारी सुरक्षा बल तैनात होने के बावजूद एक व्यक्ति यात्रा दौरान अचानक दौड़ के राहुल गांधी कोल पहुंचदा है और उसनु जफ्फी पाउन की कोशिश करता है। इस दौरान पंजाब पुलिस और CRPF के जवान भी इस नौजवान नु रोक नहीं सके। किसी अणपछाते व्यक्ति वालों सुरक्षा घेरा तोड़न तो बाद सुरक्षा एजेंसियां नु तुरंत चौकस कर दिता गया। इस घटना की एक वीडियो विच वेख्या जा सकता है कि किवें पीली जैकेट दे विच एक व्यक्ति राहुल गांधी वाल आंदा है और उसनु जफ्फी पाउन की कोशिश करता है। यह वेखते ही कांग्रेस के पंजाब प्रधान और कांग्रेसी वर्करा वालों उसनु धक्का दे दिता जाता है, साइड ते कर दिता जाता है। हालांकि बाद दे विच पता चलता है कि वह यूथ कांग्रेस का वर्कर सी। दसनयोग है कि हाल ही विच कांग्रेस दे वालों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ते दोष लगाया गया सी कि भारत जोड़ो यात्रा दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा विच वड्डियां कमियां ने। नाल ही तुहानू दस दिए कि CRPF यानी कि केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल नू राहुल गांधी की Z+ श्रेणी की सुरक्षा की अंदरूनी घेराबंदी प्रदान करन दा काम सौंपिया गया। भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार सवेरे हुशियारपुर के टांडा तो शुरू हुई सी अते इस दौरान पार्टी के पंजाब प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, हरीश चौधरी अते राजकुमार चब्बेवाल सने पार्टी के कई सीनियर आगू राहुल गांधी के नाल मौजूद दिखाई दिते सी। बंदी सिंघां दी रिहाई दे हक च हुण कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह खैरा डट गए ने। उन्हां ने चंडीगढ़ च लगे मोर्चे की हमायत करन दा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मेरे जज्बात इस मोर्चे दे नाल ने, जिथे उन्होंने पंजाब वासियों इस मोर्चे च वध चढ़ के पहुंचने की अपील की है। एक वीडियो संदेश जारी करदिया विधायक सुखपाल खैरा ने कहा कि बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लैके मोहाली विखे मोर्चा लग्या होया है। जिहड़े सिख कैदी अपनियां सजावां पूरियां कर चुके ने उन्हां नूं जेल विच काफी अरसे तो बंद रखा जा रहा है, तां करके इन्हां दा नाम बंदी सिंघां दी रिहाई पै गया। उन्हां ने सवाल खड़ा किया कि किसे नूं जेल विच क्यों रखा जा रहा है जबकि उन्हां ने अपनी सजा पूरी कर ली है। नाल ही उन्होंने ये भी जानकारी सांझी की थी कि मैं भी पटियाला जेल विच रहा हां अते उथे मैनूं एक व्यक्ति मिलिया जिसने कहा कि मैं 28-29 सालां तो जेल कट चुका हां पर उसकी रिहाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि देश दीआं कई जेलां विच अजिहे केस ने जिहड़े लोग अपनी कानून संविधान अनुसार सजावां पूरियां कर चुके ने पर उन्होंने हाले भी रिहा नहीं किया जा रहा। इस कारण पंजाब के लोगों ने मोहाली चंडीगढ़ की सांझी हद ते मोर्चा लगाया होया। इस दरमियान सुखपाल खैरा ने सारे पंजाब वासियों नूं अपील की है कि मोहाली विखे मोर्चे दे विच वध तो वध शमूलियत की जावे। उन्होंने कहा कि एक पार्टी के दायरे कारण मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता पर मेरे जज्बात इस मोर्चे दे नाल ने। उन्होंने वालों कुछ साल पहला मोहाली विखे गुरुद्वारा अंब साहिब विखे लगाए मोर्चे का भी जिक्र किया गया। इस तों इलावा उन्होंने वालों राजीव गांधी के कातला की रिहाई से भी सवाल चुके गए ने। मोहाली विखे एक बंदी सिंघां दी रिहाई दा मोर्चा लगा होया, बहुत वाजब कॉज है क्योंकि जिहड़े कैदी जिहड़े सिख कैदी अपनियां सजावां पूरियां कर चुके ने उन्हां नूं जेल विच काफ़ी अरसे तो फिर भी बंद रखा जा रहा वा, तां करके इन्हां दा नाम पै गया बंदी सिंघां दी रिहाई। और मैं समझदा कि इहदे नालों बादलील कॉज नहीं हो सकदा, किसे नूं जेल विच क्यों रखा जा रहा जद उसने अपनी पूरी सेंटेंस सर्व कर ली है, मतलब 25-25 साल जेल, 28-28 साल जेल। मैं पटियाले जेल च रहा वा तो मेरे नाल एक व्यक्ति सीगा, उसने मैं दस रहा है कि 28-29 साल जेल कट चुका, उसकी रिहाई नहीं हो रही। सो सारे देश दीआं जेलां विच इस तरह के बड़े अहम केसिस ने जिहड़ियां अपनियां सजावां पूरियां कर चुके ने कानून अनुसार संविधान अनुसार जुडिशरी के अनुसार, लेकिन उन्होंने हले भी रिहा नहीं किया जा रहा। इसलिए बहुत पंजाब के जिहड़े अखलाकी लोग ने उन्होंने उत्थे मोर्चा लाया, मेरी सारे पंजाब दे समूह वर्गां दे लोकां नूं, क्योंकि एक अल्ला बंदी सिंघां दी रिहाई नहीं ठीक है, उहदा नाम पै गया बंदी सिंघां दी रिहाई। ये साडी अपील है कि चाहे किसी धर्म का कोई कैदी है, चाहे कोई हिंदू आ, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई ईसाई आ, चाहे कोई सिख आ, जब उन्होंने अपनी पूरी कैद का समा पूरा कर लिया, कैद कट ली है, तो फिर उन्होंने जेलों में क्यों रखा जा रहा? यह तो बहुत इनह्यूमन ट्रीटमेंट है, ये तो साढ़े मनुखी अधिकारों का घोर उलंघन है।
इस लिए मैं सब नू अपील करदा कि उस मोर्चे विच वध तो वध शमूलियत करो। मेरी कई बार इदा मजबूरी हो जाती कि मैं किसी एक पार्टी के दायरे डिसिपलिन के अंदर पाबंद हाँ, तो मैं हर जगह पर जा कई बार नहीं जा सकता, पर मेरे जज्बात जिहड़े ने उस मोर्चे दे नाल ने उन्हां लोकां दे नाल ने जिन्हां दीआं रिहाइयां बड़े लंबे अरसे तो लटक रहीआं। सारे देखदे हो कि पिछले समय विच राजीव गांधी दे हथियारां नूं छड्डिआ गिआ, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हां नूं कोई भी रिलीज़ कर दित्ता। ਇਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੋਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਔਖਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਆਗੂ, ਉਹ ਨਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਚੱਕ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ? ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 14 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 14 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਚੂਹੀਆਂ ਨੇ ਕੰਨ ਖਾ ਲਏ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਸਮਕਾ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ। ਸੋਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਫਿਰ? ਸੋਮਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਮਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਆਇਆ, ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਬੜ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਡੱਕਰੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਟੋਡੇ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਛੇਤਰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਦੋਸ਼ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲੇਮ ਹੈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣਨ ਆਏ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੂ ਪਾਰਟੀ? ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਲੌਂਗਵਾਲ ਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਉਂਕਿ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਗੁਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੋਮੇ ਬਗੈਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਚੱਲੂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਲਏ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਆਗੂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਵੇਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਦੇਖਿਆ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦਿਸਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਗੁਰਾਹਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
खबर मौसम नाल जुड़ी हुई है। पंजाब दे विच आने वाले दिनों दे विच मौसम दे विच कुछ राहत वेखण मिलेगी। भावें दिन दे विच तां तापमान सही है, पर रात नूं उसे तरह ठंड की जो लहर है उसे तरह जारी है। तो दूजे पासे ठंड तो जो राहत दिन दे विच धुप निकलदे नाल किसानां दी फसल नूं वी इसका लाहेवंद फायदा हो रहा। इस समय पूरा उत्तरी अते उत्तर पछमी भारत ठंड की लपेट विच है। हुण कड़ाके की ठंड कारण लोग परेशान हो रहे नी। अजिहे विच भारतीय मौसम विभाग तो राहत की खबर सामने आई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर पछमी भारत दे विच छेती ही सीत लहर की तीव्रता दे विच कमी आउण की संभावना है। इस कारण उत्तरी भारत के कई इलाकों नूं भी राहत मिलेगी। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना के मौसम विज्ञानी डॉक्टर कुलविंदर कौर गिल ने दावा किया कि मौसम विच आए बदलाव नाल जिथे लोकां नूं कुछ राहत मिलेगी उथे ही मैदानी इलाकियां विच बर्फबारी कारण 10 तों 12 साल दा रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया। नाल ही उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते बदल छाए रहणगे अते मीह पैण दी संभावना जताई जा रही है। मौसम च आ रहे बदलाव कारण हुण किसानां लई इह लाहेवंद भी सिद्ध हो सकदा है। हाँ जी, जिस तरह की आप देख रहे हैं कि टैंपरेचर जिहड़ा हैगे ने रात दे बहुत ज्यादा फॉल कर चुके हैं। जिस तरह साढ़े को 0 डिग्री के नीयर अबाउट ही जोड़ा टैंपरेचर है वो रिकॉर्ड किया गया। कई जगह पर तो जोड़ा आप कहने ग्रास मिनिमम टैंपरेचर हों जोड़ा असी बिल्कुल ग्राउंड पर लें वो माइनस भी रिकॉर्ड किया गया। सो कई जगह पर आप देखते हैं कि कोहरा जोड़ा वो अच्छ सवेरे देखा गया और कई 2-3 दिनों तो ही सूँ लग रहा कि जो टैंपरेचर है वो लगातार जोड़ा फॉल कर रहा। दिन का तापमान तो साढ़े को 17-18 रिकॉर्ड किया जा रहा, पर रात का टैंपरेचर जोड़ा वो 1 डिग्री कितने 0 डिग्री जोड़ा इस तरह रिकॉर्ड किया जा रहा है। सो 2008 तो बाद साढ़े को इस बारी 2023 जनवरी के इन्ना ज़्यादा जोड़ा 0 डिग्री के नियर अबाउट टैंपरेचर रिकॉर्ड किया गया। अदरवाइज पिछले सालों के टैंपरेचर फॉल जरूर किया, फ्रॉस्ट के भी चांसिज कई जगह रहे हैं, पर साढ़े को इन्ना टैंपरेचर फॉल नहीं किया जिन्ना इस बारी होया। सो आप कह सकते हैं कि हले मतलब 10-12 साल का जोड़ा रिकॉर्ड है ये ब्रेक होया जिदे करके टैंपरेचर इन्ना फॉल होया। आप कह सकते हैं कि अगले हफ्ते संडे मंडे तक जड़े ने कुछ बारिश के चांसिस बन रहे हैं क्योंकि एक वैसटर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जिदे मद्देनज़र कि अगर जिस तरह बदलवाई हो जाती है तो उदों थोड़ी बहुत जी बारिश है जरूर पै सकती है। गैंगस्टरां दे हौसले इन्ने बुलंद हो गए ने कि आए दिन गैंगवार दे मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला हरियाणा दे सिरसा जिले तो सामने आया जिथे बदमाशों दे वल्लों दिन दिहाड़े गोलियां मार के 2 नौजवानों का कतल कर दिता गया। हरियाणा दे सिरसा जिले विच गैंग वॉर दी वारदात सामने आई है। बदमाशां ने कालां वाली मंडी दे विच दिन दिहाड़े गैंग वॉर दी घटना नूं अंजाम दिता। मंडी दे विच होई गोलीबारी च 2 लोकां दी मौत हो गई जबकि 2 जख्मी हो गए ने। मिली जानकारी मुताबिक बदमाशां ने पीड़ता दी गड्डी रोक के उन्हां उपर ताबड़ तोड़ फायरिंग कर दी अते मौके तो फरार हो गए। इस मामले संबंधी सिरसा दे SP डॉक्टर अर्पित जैन दा की कहना है, आओ तुसी भी सुनो। कालावाली के देसू रोड पे गोलीबारी की घटना हुई है लगभग 3:30 बजे के आसपास, जिसमें कि 2 लोगों की मृत्यु हुई है जिनका नाम दीपू है दोनों का और वो कालावाली क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। और इसके अलावा 2 लोग जो है इसमें घायल हुए हैं, तो एक अमरदीप और एक प्रेमजीत है, तो उनका भी जो अमरजीत है उसका उपचार चल रहा है और बाकी हमारी जो पुलिस की टीम है 3 CIA इसमें लगी हुई है और जो भी इसमें आरोपी हैं उनको शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। ये पुरानी कोई इनकी रंजिश लग रही है अभी तक जो है, पर जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे तो आगे की इसमें बातें क्लियर होंगी। सर कोई गैंग्स का चक्कर लग रहा है, कोई भी को गैंगवार हो सर, इस तरह की कोई अब तक इनपुट्स? देखिए थोड़ा संशय तो है हमको, डाउट है, बट मैंने वही बताया कि जैसे अभी आगे स्टेटमेंट होंगे और जो घायल हैं उनके प्रॉपर बयान होंगे तो आगे चीज़ें क्लियर होंगी। नहीं अभी उसी में टीम लगी हुई है, हम सारे CCTV कैमरे जो हैं उनको जाँच रहे हैं और आगे का रूट भी उनका आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आसपास के जिलों को भी सूचित कर दिया गया है, तो जैसे जैसे आगे जांच होगी और जल्दी से जल्दी हम इसका पर्दाफाश करेंगे। अभी जो CCTV फुटेजेस में आए हैं तो उसमें 3-4 लोग तो दिख रहे हैं क्लियर, लेकिन मैंने फिर बताया कि अभी घटनास्थल का क्लियर फुटेज नहीं आया है, तो आगे भी हम सारे फुटेज चेक करवा रहे हैं और एक बार सारे चेक होंगे तभी इसमें कुछ क्लियर बता पाएंगे। इसमें 4 टीमें हमारी लगी हुई हैं, 3 CIA हैं और थाने की टीम है, इसके अलावा साइबर अपना अलग वर्क कर रही है जो हमारी साइबर सेल है। जिक्र योग है कि पुलिस ने हमलावरों नूं फड़न दे लई इलाके दी घेराबंदी कर दिती है। इस दे नाल ही पुलिस ने कालावाली दे नाल लगदी पंजाब सरहद ते सुरक्षा दे सख्त प्रबंध कीते होए ने। मुढ़ली जांच दे विच इह गैंग वॉर मन्निया जा रहा है, हालांकि इह जांच तों बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि हमलावर किस गैंग दे नाल जुड़े होए ने। जांदे जांदे इक नज़र मारांगे अज दीआं मुख सुरखियां ते।
मान सरकार का वड्डा ऐलान, जीरा शराब फैक्टरी बंद करने के दिए निर्देश, कहा वातावरण नहीं होने देंगे प्रदूषित। राहुल गांधी ने वख-वख मुद्दों से की प्रैस कॉन्फ्रेंस, 1984 के सिख कतलेआम से भी दिता वड्डा प्रतिक्रम। अज चंडीगढ़ नगर निगम मेयर की हुई चोण, भाजपा ने मारी बाजी, भाजपा के आगू अनूप गुप्ता बने मेयर। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राहुल गांधी की टिप्पणी से किया ट्वीट, राहुल गांधी ने चुप रहने की दी नसीहत, कहा तुसी दो मिनट च चुने हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नू दिल्ली तो हटा के किया सी बेइज्जत। अज्ज दे पंजाब बुलेटिन विच इन्ना ही, कल फिर मिलांगे नवीं ते ताज़ियां खबरां लैके। मैनू दिओ इजाजत, धन्नवाद।